सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे ओसीएम के पेपर के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर ओसीएम के पेपर का प्रेजेंटेशन के बारे में बताइए कुछ, सर हम लोग कितना लिखे हमें पता नहीं चल रहा है, हम कॉलेज में लिख के आते हैं तो हमारे जो टीचर है वो मार्क्स काट दे रहे हैं, ये कर दे रहे हो वो कर दे। तो कोई बात नहीं गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे। तो एक पेपर मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए मेरे ही क्लास में मैंने ये पेपर लिया हुआ है, विजनरी कॉमर्स अकेडमी हमारा जो क्लासेस है उसमें एक बच्चे ने लिखा हुआ है यहाँ पे, उस बच्चे का नाम है यहाँ पे, क्लास के जो इन्विजिलेटर थे उनके सिग्नेचर है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पेपर जो था 1 फरवरी 2024 के दिन हमने लिया था उस बच्चे से। और उस बच्चे को जो मार्क्स मिले थे वो ये है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड लास्ट में फाइनल देखिए हर क्वेश्चन में मिला के 80 आउट ऑफ 80 मिले हैं। ये ओसीएम के पेपर की बात कर रहा हूँ। सेम ऐसे ही पेपर आप एसपी में भी लिखना। देखिए बच्चे का, देखिए पेपर कंप्लीट होने का अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बता दूँ तो उससे ज़्यादा टाइम तो आपको लगना नहीं चाहिए। अगर देखिए ये 20 मार्क्स का है बच्चा लोग, तो कम से कम ये आपका 15 मिनट के पहले हो जाना चाहिए, 15 मिनट या उससे पहले हो जाना चाहिए। अगर ये 8 मार्क्स का है तो गाइज इसको आप 12 मिनट्स में कंप्लीट कर दो। समझ में आ गया, 8 मार्क्स का मतलब 3 3 मिनट दे सकते हो। ये जो बच्चा लोग अगर चाहिए तो आप, अगर आप पढ़ने बैठे हो तो पढ़ रहे हो तो थोड़ा सोचने को टाइम लगेगा, तो मैक्स अगर मैं बोलूँ तो ये 8 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। केस स्टडी एक एक लाइन डेढ़ लाइन का लिखना रहता है, उससे ज़्यादा तो लिखना नहीं रहता। अगर आपको पता है आपने प्रैक्टिस किया है तो 8 मिनट में इनफ है, 2 केस स्टडी आपकी बन जानी चाहिए, राइट। उसके बाद ये जो है इसके लिए आपको 35 मिनट्स में होना चाहिए। नेक्स्ट ये जो डिस्टिंग से आपका 35 मिनट्स में मैंने बोला है, ये 12 मार्क्स का। देन उसके बाद आपका 8 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन आंसर्स, ये मैक्स टू मैक्स 25 मिनट्स में होना चाहिए। समझ में आया क्या? अगर चाहिए तो आप इसे 30 मिनट्स तक का भी टारगेट रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है 30 मिनट में तो खत्म करना ही है। अगर 30 मिनट से ऊपर लग रहा है तो दूसरे क्वेश्चन पे जंप मारो। ये जो जस्टिफाई है तो बच्चा यहाँ पे 20 मिनट्स में हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं रहता जस्टिफाई लिखना। एंड ये जो क्वेश्चन है इसके लिए भी आपको कम से कम 30 मिनट्स लगना चाहिए, और लास्ट वाले क्वेश्चन को 20 मिनट्स या फिर 25 मिनट्स, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन को टाइम देना नहीं, ये वाले लास्ट क्वेश्चन। एंड सबका अगर हम लोग देखें कितना टाइम हो रहा है, अगर हम लोग देखें तो 15 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 25, गाइस 175 मिनट्स हो रहे हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मिनट भी लिया है तो भी, एंड अभी भी 5 मिनट आपके पास बाकी है। 5 मिनट में चाहिए तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये कर लीजिए, एक बार देख लीजिए अपने क्वेश्चन को। देखिए गाइस, अब मैं आपको इनका टेक्निक बताता हूँ, बच्चे ने कैसे किया, एंड पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, राइट। मैंने सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट भी बता दिया कि कितना मिनट किसको लगना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम तो देना ही नहीं है। अगर आपके पास वॉच है तो वॉच लेके बैठो एग्जाम के टाइम पे, एंड देखते रहो कि कितना मिनट हो रहा है। अब इस बच्चे की स्ट्रैटेजी देखिए, इस बच्चे ने क्या बोला मेरे से कि सर जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा था ना, इस क्वेश्चन का टारगेट 15 मिनट 12 मिनट और 8 मिनट रखा था, बट ये मेरे क्वेश्चन ना टाइम से पहले ही हो गए। इस बच्चे ने मुझे बताया, जब मैंने पेपर चेक किया इसको बताया, तो इससे पूछा मैंने कि तेरा टाइम मैनेजमेंट क्या, तूने ऐसे कुछ किया था? तो उसने बताया कि सर ये जो टाइम मैनेजमेंट आप लिख रहे हो ना, इससे पहले ही मेरे हो गए थे। बट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज उसने इन चीज़ों के ऊपर इतनी प्रैक्टिस कर दिया ना। क्यों पता है? इधर एक एक वर्ड पे मार्क्स है, एक एक वर्ड पे मार्क्स है बच्चा, एक एक वर्ड पे। बोलता है सर यहाँ पे राइटिंग कौन देखता है? बात सच है ना बच्चा, यहाँ पे राइटिंग कौन देखता है? समझ में आया? यहाँ पे राइटिंग कोई नहीं देखता बच्चा, यहाँ पे क्या आपकी स्पीड होनी चाहिए। क्यों? यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, एक मार्क्स है। अभी रजिस्ट्रेशन लिखना है भैया, रजिस्ट्रेशन फास्ट में लिख दो ना, कहाँ उसको सुधार के एकदम रजिस्ट्रेशन ऐसा लिखोगे भाई? यहाँ पे जो बच्चे टाइम अपना गंवाते हैं वो यहाँ पे गंवाते हैं। देखिए मैंने 15 मिनट बोला था, बच्चे ने यहाँ पे मेरे ख्याल से 12 या 13 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया था ये क्वेश्चन। समझ में आया? तो यहाँ से उसने 3 मिनट बचा लिए थे। सेम यहाँ पे भी 6 मिनट है जो 8 मिनट है, तो यहाँ पे भी उसने 8 मिनट तक ही लिए, तो उससे ज़्यादा तो नहीं ले पाया रहेगा। ताकि तभी पेपर कंप्लीट हुआ है। चलिए पेपर प्रेजेंटेशन देखते हैं, हर में इसको एक एक मार्क्स। ये जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हर में मार्क्स मिला हुआ है, कहीं पर मार्क्स कटा नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए बच्चे ने यहाँ पे लिखा है, एकदम सिंपल सा लिखा हुआ है, कोई वो नहीं है। बड़े में लिखा ताकि टीचर भूल भी नहीं सकता है, भैया सामने दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का है, बच्चे ने ये लिखा है, जो कि आप लोग चाहिए तो ये इग्नोर कर सकते हो, बट हाँ री राइट द सेंटेंस बोला है तो बच्चा लोग आपको ये पूरा लिखना है, मतलब क्वेश्चन भी लिखना है। बच्चे ने क्वेश्चन भी लिखा, देखिए फटाफट लिखा है, ये रहा राइट, दिख रहा सारी चीज़ें लिखी, अंडरलाइन भी कर दिया, लास्ट में अंडरलाइन किया हुआ रहेगा लगता है, स्टार्टिंग में तो किया नहीं, लास्ट में किया रहेगा एक ही बार। तो गाइज देखिए 1 मार्क्स 2 मार्क्स यहाँ पे 3 4 5 टोटल मिला के 5 नंबर लिखे हैं इसने, 5। पाँच नंबर का मतलब लिखा है और 5 मार्क्स पूरे मिले, मिनिमम 5 मिनट्स में ही हुआ रहेगा ये, उससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लिया रहेगा। अगर हुआ रहेगा तो ट्राई किया रहेगा और कम टाइम में हो गया रहेगा ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का भी सेम, इसने मैच द करेक्ट पेयर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन उसका आंसर दिख रहा है सामने सामने लिखा हुआ है। ये भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 4 मिनट में ही हो गया रहेगा, 4 से 5 मिनट में कंप्लीट हो गया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सी, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स था, बच्चे ने देखिए कितना अच्छे तरीके से लिखा है, फॉल्स है, फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, आंसर्स लिखे हुए हैं राइट। तो
ये मेरे ख्याल से 2 मिनट या 3 मिनट में हो गया रहेगा, क्यों इतनी प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन दिखा सामने पता उसको फॉल्स है, फटाक से फॉल्स लिखो ना, 1 मिनट में वो कम से कम 2 या 3 लिख दिया होगा 1 मिनट में, खाली पढ़ा फास्ट फटाफट, होता है बच्चा होता है, प्रैक्टिस कितना लगता है, एक लाइन पढ़ने में कितना टाइम लगता है, 10 सेकंड लगता है बच्चा, 10 सेकंड लगता है, और 10 सेकंड में उसका आंसर आपके माइंड में, 20 सेकंड में एक, 20 सेकंड में एक, 1 मिनट में 3 हो जाते हैं आपके, अगर आपके पास आपने बहुत प्रैक्टिस किया है तो। ओके इस बच्चे ने कम से कम 3 से 4 बार तो क्लासेस में प्रीलियम्स दे दिए, उसके बाद उसने सेमेस्टर के पेपर हमारे क्लासेस में हुए थे, उससे पहले भी आपके टेस्ट सीरीज हुए थे तो वहाँ पे पेपर दिया था, तो इसको बहुत सारी चीज़ें एकदम अच्छे से पता थी कैसे क्या लिखना है, बात समझ में आ गया, तो फटाफट होता है ये, कम से कम 2 मिनट में हो गया रहेगा इस बच्चे का। सेम यहाँ पे ये वाली चीज़ें भी इतनी प्रैक्टिस है कि उसको पता है कि आग बंद करेगा तो भी फटाफट लिख सकता है बच्चा लोग, आपकी भी प्रैक्टिस सेम ऐसी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, यही आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। देखिए यहाँ पे राइटिंग मैटर नहीं करता, फटाफट उसने लिखा हुआ है। ओके बच्चा तो यहाँ पे भी उसको 5 नंबर मिले, समझ में आएगा। तो गाइस अगर मोटा मोटा देखें तो 2 मिनट में ये कंप्लीट हुआ है बच्चे ने किया, 2 मिनट में उसने ये कंप्लीट किया, 2 2 4 मिनट, और अगर मैं यहाँ पे पकड़ूँ तो गाइस ये पूरा उसने 4 4 8 मिनट में कंप्लीट किया, 8 4 12, ओके लगभग 12 से 13 मिनट में, मतलब कहीं ना कहीं 2 मिनट 3 मिनट यहाँ पे भी उसने बचाए रहेंगे, राइट। सेम यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा, उसने देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से लिखा है, मैनेजमेंट लिखा, उसको एक्सप्लेन किया, 1 दिख रहा है ए बी सी डी ई पॉइंट तक लेके गया, और उसने टारगेट रखा था 3 मिनट में एक कंप्लीट होना चाहिए, जो कि होता है। देखिए अगर देखना चाहिए तो 1 मिनट में ये कंप्लीट हो गया रहेगा, 1 मिनट में ये और ये, 2 मिनट और 1 मिनट में ये, 3 मिनट में तो कंप्लीट आराम से होना है। ओके अगर जिसको आता रहेगा वो 3 मिनट का 3 मिनट से कम में ही लिख लिया रहेगा, तो 2 मिनट तो देखिए 2 मार्क्स तो यहाँ पे मिलना ही चाहिए था, 4 पॉइंट लिखा है अच्छे से, 4 5 लिखा है। सेम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी टारगेट रखा था, हर 1 मिनट में एक एक होना चाहिए अपना, आराम से टारगेट रखा था, दिख रहा है, तो 3 3 मिनट का टारगेट पकड़ के रखा है, तो 3 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए, तो आराम से कंप्लीट होता है। देखिए 1 1 मिनट में होता है, अगर आपको बैठ रहेगा तो फटाफट आप लिख सकते हो, आपको पूरी चीज़ें याद रहेगी तो आराम से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेम कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट रिसिप्ट में 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स लिखे, 2 नंबर देने पड़ेगा। देखिए एग्जामिनर यहाँ पे मार्क्स काट ही नहीं सकता बच्चा, कहीं पे भी नहीं काट सकता, अगर वो हाफ ऑफ मार्क्स भी देगा हर एक पॉइंट पे तो 2 मार्क्स को मिलना ही है, और उसने देखिए कहीं पे भी 3 और 2 नहीं लिखा, टोटल 4 पॉइंट्स लिखे हैं, समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पे भी देखिए जनहित याचिका 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 पॉइंट लिखे, और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए बच्चे का जो एक लाइन में कितने वर्ड दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है ना बच्चा लोग, तो एक लाइन में उसने कितने वर्ड लिखे, देखिए मैक्स टू मैक्स 4 या 5 वर्ड लिखे रहेंगे, देख लीजिए मतलब क्या, एक लाइन में 4 वर्ड या फिर 5 मैक्स टू मैक्स इस बच्चे के, और अच्छा भी दिख रहा है, तो 2 मार्क्स यहाँ पे भी। तो गाइस इसने ये भी कंप्लीट किया, उसके बाद केस स्टडी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन्होंने 8 मिनट का टारगेट रखा था, ओके केस स्टडी का, जो कि इन्होंने कंप्लीट किया है, ये अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। ओके करना भी चाहिए, एक स्कॉलर बच्चे की पहचान यही होती है कि वो एकदम अच्छे से एक्सप्लेन भी करे, ताकि टीचर को भी लगे कि हाँ बच्चों को कुछ आता है, नहीं तो केस स्टडी में देखा है मैंने बच्चों को क्या किया जाता है, मिस्टर राम परफॉर्म द प्लानिंग फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, बस खत्म इतने, बट इसने उसके पीछे का रीज़न भी दिया क्यों। सेम यहाँ पे भी देखिए मिस्टर श्याम परफॉर्म द ओके फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, और क्यों उसका रीज़न दिया, यहाँ पे भी दिख रहे हैं शुभम ने परफॉर्म किया कंट्रोलिंग फंक्शन क्यों, तो इससे एग्जामिनर के माइंड में ये जाता है कि बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, बच्चा क्यों नॉलेज है इस चीज़ के ऊपर, समझ में, क्यों केस स्टडी से ही बच्चे का नॉलेज पता चल पाता है, क्योंकि केस स्टडी में कैसा आपको क्या एक्सपीरियंस, आपने उस क्वेश्चन को पढ़ के लिखा है और आप कैसे लिख रहे हो, समझ में आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ही अगर एग्जामिनर ने अगर देखा रहेगा तो उसको यहाँ से चीज़ें पता चल गई रहेगी कि बच्चे का नॉलेज कैसा है, बात समझ में आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आंसर्स लिखा था, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो केस स्टडी नंबर 2 था, यहाँ पे भी उन्होंने पूरा अच्छे से लिखा ताकि एग्जामिनर ने यहाँ पे भी मार्क्स नहीं काटा, और इसके सारे के सारे मार्क्स अभी तक एक भी मार्क्स कट नहीं हुए, एग्जामिनर के माइंड में कैसा इंप्रेशन हुआ रहेगा इस बच्चे का, हाँ बच्चा बहुत स्कॉलर है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ से एग्जामिनर क्या करेगा पता है क्या, जो इसकी निगेटिविटी रहेगी ना पॉइंट्स के अंदर वो भी इग्नोर करते हुए जाएगा, क्यों फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा यहाँ तक, समझ में आया, चेक कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी ए मतलब फर्स्ट आंसर लिखा सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मीनिंग देखिए, ओके ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट दिख रहा है, डी ई एफ जी एच तक लेके गया बच्चा लोग, देखिए पॉइंट भी इतने अच्छे तरीके से लिखा है बच्चे ने, दिख रहा है यहाँ पे, इसका फ़ायदा क्या है पता है क्या आप लोगों को, और आप लोगों ने देखा ए बी सी डी ओके पॉइंट्स में लिखा है इसने, ए बी सी डी ई कहीं पे भी इसने नंबर में लिखा है 1 2 3 4 5 6 ओके ए बी सी डी लिखा है, समझ में, इसके पीछे का रीज़न क्या है ओके वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा, बट आप लोगों भी मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को भी मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप लोग भी 1 2 3 की जगह पे आप लोग बच्चा लोग ए बी सी डी लिखिए वो अच्छा रहेगा। ओके अब रीज़न मत पूछना क्यों, समझ में आया, चलिए तो देखिए मस्त इसने भी लिखा है ओके बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो पूरे के पूरे 4 मार्क्स दे दिए यहाँ पे, समझ में आया। सेम थर्ड इन्होंने स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन लिया, देखो यहाँ पे इधर भी उन्होंने लिखा ए बी सी डी ई एफ यहाँ पे जी एच तक लिखा है, देखो यहाँ पे भी उनको पूरे 4 मार्क्स मिले हुए हैं,
दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे भी उन्हें 4 मार्क्स दिया गया है। सेम बच्चा यहाँ पे देखिए, ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस सब 1.2 पॉइंट दिख रहा है, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट यहाँ पे भी लिखा, तो यहाँ पे भी उनको 4 मार्क्स दिए गए। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने सेकंड आंसर अटेम्प्ट किया, हो सकता है फर्स्ट वाला आंसर इनको आता नहीं होगा, या फिर आता भी होगा, हो सकता है बड़ा होगा इसकी वजह से उन्होंने इसको स्किप किया होगा, इनकी इनके ऊपर है कि क्या किया इन्होंने पता नहीं। ओके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आंसर है उसमें इन्होंने लिखा है मीनिंग, मीनिंग को भी इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। देखिए मैंने अभी भी बताया था 1, 2, 3, 4 देखा, एक लाइन में इन्होंने 4 वर्ड्स ही लिखे, मगर अच्छे तरीके से दिख रहा है कि पेपर कैसा दिख रहा है, समझ में आया, दिख रहा है यहाँ पे। ओके सब पेपर को एकदम अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है, मीनिंग इतने में लिखा है इन्होंने, मीनिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए। उसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सबसे पहला पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है बच्चा लोग। ओके तो देखिए पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन किया, फिर बी पॉइंट को भी एक्सप्लेन किया, अंडरलाइन किया अच्छे से, फिर सी पॉइंट को भी एक्सप्लेन किया, अंडरलाइन किया दिख रहा है, फिर यहाँ पे देखिए डी वाले पॉइंट को एक्सप्लेन किया, ई वाले पॉइंट को एक्सप्लेन किया, ओके एफ वाले पॉइंट को एक्सप्लेन किया, जी वाले पॉइंट को, मतलब कि टोटल कहीं ना कहीं 4 नंबर के लिए पूछा था और 4 ही लिखना था शायद से, और बच्चे ने 7 लिखे। अब बताइए कोई भी एग्जामिनर यहाँ पे मार्क्स कट करेगा क्या? बच्चा नहीं कट करेगा। और टारगेट सेट करके रखा 25 या 30 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए 2 क्वेश्चन, और होता भी है, 7 पॉइंट है ना, फटाफट लिखना है बच्चा आपको, आंसर आता रहेगा तो आप सोचने पर नहीं जाओगे, सोचना नहीं है, जहाँ पर सोचना पड़ा तो वहाँ पर टाइम लगेगा, समझ में आया। अब सोच ये बच्चे लोग क्यों नहीं सोच रहे, क्यों, इनको पता है कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आप उनको पढ़ना है फर्स्ट, आप उनको पढ़ना है सेकंड, आप उनको पढ़ना है 6, आप उनको पढ़ना है 7, आप उनको पढ़ना है 8, टोटल मिला के मैंने क्वेश्चन भी बताया, मैंने जस्टिफाई भी बताया, बस बड़े बड़े क्वेश्चन को और किसी चैप्टर का देखना ही नहीं है आप उनको, सर ने जितना बताया उतना ही करना है भाई, और उसी में से आने वाला है भाई, उसके बाहर से तो कुछ आने वाला नहीं है। तो इतनी सारी प्रैक्टिस हुई, इतने बार टेस्ट दिए, तो इनको पता है कि क्या करना है, समझ में आया। सो गाइज देखिए ये कंप्लीट किया, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला अटेम्प्ट किया इन्होंने, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, सेम यहाँ पे भी इन्होंने मीनिंग लिखा हुआ है देखो इतने अच्छे से, देन उसके बाद मार्केटिंग रिसर्च, ओके फंक्शन है जो मार्केटिंग है, फिर बाइंग एंड असेंबलिंग किया है, मार्केटिंग के प्लानिंग को किया है दिख रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया, बड़ा बड़ा आंसर लिखा बच्चा देखो, और पॉसिबल ये होता है बच्चा लोग, आराम से होता है, आप लोगों से नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं कर पाएगा, कर पाएगा, हाँ गलतियाँ भी किया है कभी कहीं ने, गलतियाँ देखिए एक गलती यहाँ पे किया तो उन्होंने कट किया हुआ है, तो गलतियाँ की है, ऐसा नहीं है कि नहीं गलतियाँ की, बट इन्होंने अपनी गलती को छुपाया भी है, और एग्जामिनर के माइंड में देखिए इतना तो छोटी छोटी गलती तो दिखाई नहीं देगा बच्चा लोग। ओके आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, अब यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पॉइंट में लिखा है, दिख रहा है ABCD में दिख रहा है, जस्टिफाई था कंट्रोलिंग इज एन लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, देखिए उसको एकदम अच्छे से पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, पॉइंट जी, पॉइंट एच, ओके पूरे टोटल मिला के एच तक एक्सप्लेन किया, मतलब कहीं ना कहीं 8 पॉइंट एक्सप्लेन किया। अगर एग्जामिनर हाफ ऑफ मार्क्स भी देगा हर एक पॉइंट पे तो कहीं ना कहीं 4 मार्क्स तो मिलना ही है, ओके आराम से 4 मार्क्स मिलेगा बच्चे को। नेक्स्ट उसके बाद ATM वाला जो क्वेश्चन था जस्टिफाई का, ओके ATM का देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड आंसर इसने किया है 1, 2, 3, 4, ओके 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पॉइंट लिखा, आराम से लिखा, देखिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे, अगर चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, देख लीजिए वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से पढ़िए, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा बच्चे ने, दिख रहा है। तो यहाँ पे भी 4 मार्क्स मिला, तो कहीं ना कहीं देखिए हर एक एक मिनट में उसने क्या टारगेट किया था कि जस्टिफाई 20 मिनट में होना चाहिए दोनों के दोनों, और होता है भाई, देखिए इतना चीज़ें 1 मिनट में, तो बच्चा अगर वो करने बैठे तो 1 मिनट में ये कंप्लीट किया रहेगा, आगे के 1 मिनट में ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, आराम से 10 मिनट के अंदर ये पूरे के पूरे पॉइंट कंप्लीट होते हैं, आराम से, आराम से, जिसकी स्पीड रहेगी तो वो कर सकता है। ओके तो गाइज देखिए यहाँ पे ये, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो था उन्होंने देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला था कि जब यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन आते क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है और थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ता है, बिकॉज यही वो चीज़ है जहाँ पे आपके मार्क्स कटते हैं, समझ में आया। ऊपर के जितने थे वहाँ पे मार्क्स नहीं कटेंगे बच्चा लोग, वहाँ पे अगर आपने लिखा अच्छे अच्छे तो मार्क्स मिल जाए, यहाँ पे एग्जामिनर आपको क्या करता है फंसाता है, यहाँ पे पूरे मार्क्स नहीं देता है। तो यहाँ पे पूरे मार्क्स कैसे स्कोर करें, तो देखिए इस बच्चे ने कैसे किया, सबसे पहला ये 5 नंबर के लिए आया था, 5 नंबर मैंने इसको दिया है, यहाँ पे दिख रहा है मीनिंग, बच्चे ने देखिए यहाँ पे पूरा मीनिंग लिखा, मीनिंग को एक्सप्लेन किया, और मीनिंग को भी देखिए 1, 2, 3 पार्ट में लिखा है। उसके बाद नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, देखिए यहाँ पे नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसको देखो कितने अच्छे तरीके से, ओके ट्री डायग्राम के जैसा उसने प्रेजेंट किया, ताकि क्या होता है इससे एग्जामिनर के माइंड में बैठता है कि हाँ बच्चों को बहुत नॉलेज है यार, सच्ची देखो इतना अच्छे तरीके से इसने प्रेजेंट किया पेपर को, बात समझ में आ गया सबको। ओके अब बात करते बच्चा लोग आगे, देखिए उसने प्रेजेंटेशन के बाद देखिए हर एक पॉइंट को भी एक्सप्लेन किया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी दिख रहा है, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, डी ई एफ जी दिख रहा है, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया, तो बताइए हर एक पॉइंट को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, हर एक पॉइंट में देखिए 3-3 पॉइंट भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, तो आराम से मार्क्स मिलना चाहिए बच्चे इसको, आराम से मार्क्स मिलता है। ओके
तो 15 मिनट में इन्होंने ये टारगेट सेट किया था कि 15 मिनट में अपना कंप्लीट होना चाहिए, और 15 मिनट में होता है इतना। ओके, ये सारी चीज़ें 15 मिनट में कंप्लीट हो जाती है अगर आपकी स्पीड रहेगी तो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर जो था मीनिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, सेम यहाँ पे भी मीनिंग लिखा अच्छे से। एंड देन उसके बाद देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी ट्री डायग्राम में उसने एक्सप्लेन करके रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्री डायग्राम, दिख रहा है। इससे आपका पेपर का लेंथ भी बढ़ता है और अच्छा ही ओके पेपर भी अच्छा दिखता है। देखिए बच्चा अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए कितना पॉइंट्स लिखा दिख रहा है यहाँ पे सी डी, हर में 7 7 पॉइंट्स लिखा, उससे कम तो लिखा ही नहीं है बच्चे ने, ताकि एग्जामिनर इनका मार्क्स कट ही नहीं कर सके। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 जो था ओके देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन था, एक रोड ट्रांसपोर्ट था जिसका एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना था, एंड देन उसके बाद इनको था इंपॉर्टेंट ऑफ मार्केटिंग। ऑलरेडी मैंने 4th चैप्टर बच्चों को बोला नहीं था और उन्होंने याद भी नहीं किया रहेगा, उन्होंने किया था 8th चैप्टर, समझ में। और 8th चैप्टर से आ गया था इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग का, क्या लिखना था बच्चा लोग ओके सोसाइटी एंड ओके कंज्यूमर्स वाला, तो बच्चे ने वही किया। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड वाले आंसर को इसने हाथ लगाया, इंट्रोडक्शन भी लिखा है, कुछ तो लिखा है इंट्रोडक्शन के अंदर ताकि एग्जामिनर के माइंड में जाए, कुछ मीनिंग भी लिखा है एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी लिखा है। तो गाइस कहीं ना कहीं ये तीन चीज़ें अगर आपके आंसर में दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको 2 नंबर तो यहाँ से मिल जाएंगे, समझ में आया। अब कमाने कितने आपको 6 नंबर। अब 6 नंबर के लिए देखिए बच्चे ने सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के 2 पार्ट किए, सारे पॉइंट्स लिख लिए यहाँ पे दिख रहा है अलग अलग ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर्स, राइट। अब हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी क्या है, ये सारे पॉइंट को एक्सप्लेन भी किया, देखो डिटेल एक्सप्लेनेशन किया बच्चे ने फटाफट, राइट। 5 5 पॉइंट था, 5 5 पॉइंट ही लिखा है उसने। सेम इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर, इसको भी अच्छे से लिखा हुआ है दिख रहा है यहाँ पे, सारे पॉइंट को अच्छे से लिखा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे भी उसको मैंने 8 मार्क्स दिए। तो गाइस इसी की तरह ओके आराम से बच्चे ने पूरे के पूरे 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट भी किया है और 80 मार्क्स उसने लाए भी हैं। और आप देखने चाहोगे तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसका पेपर का टाइमिंग देखें तो इस बच्चे ने टाइम मैनेजमेंट भी वैसे ही किया प्रॉपर, और टाइम मैनेजमेंट में भी देख लीजिए बच्चा लोग कहीं ना कहीं इसके पास कम से कम 5 मिनट तो बचेगी। देखिए यहाँ पे देखिए कहाँ पे गया, ये देखिए देखिए अगर हम लोग टोटल करें तो मोटा मोटा अगर टोटल करूँ तो 170 या फिर 175 मिनट्स ही हो रहा है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं। एलसी है देखिए 15 मिनट प्लस 12 मिनट प्लस 8 मिनट्स प्लस 35 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स, 170 मिनट्स। अगर लास्ट वाले क्वेश्चन को आप 20 मिनट्स देते हो तो बच्चे ने टारगेट रख के रखा था कि अगर बड़ा क्वेश्चन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग अगर 8 मार्क्स के लिए आएगा तो 20 मिनट्स में होता है, अगर उसके जगह पे ये दोनों आता है तो 25 मिनट्स में उसने कंप्लीट किया, 175 मिनट्स में पेपर कंप्लीट हुआ है बच्चे का। और इसने सारे के सारे पेपर को देखो कितने अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया और 80 मार्क्स पूरा का पूरा मिलता है। सो गाइज इसी तरह आपको भी अपने एग्जाम में जो भी पेपर आप लिख रहे हो तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले चीज़ पे आपको टाइम नहीं लगाना। मोस्टली बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम अपने ये वाले चीज़ पे लगाता है जो कि यहाँ पे राइटिंग मैटर ही नहीं करता। आप क्या करते हो, स्टार्टिंग चालू करते हो और राइटिंग बनाने बैठ जाते हो, तो यहाँ पे आपको नहीं करना बच्चा। ये जो 4 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 तक, यहाँ तक आपको राइटिंग नहीं बनाना, यहाँ तक राइटिंग पे कुछ नहीं है बच्चा, समझ में। हाँ यहाँ से आप राइटिंग बनाना चालू करो, समझ में आया। तो यहाँ तक राइटिंग नहीं, यहाँ की आप जितनी स्पीड में लिख सकते लिख दो, एंड ट्राई करो कि यहाँ तक का क्वेश्चन आपका 1 आवर 10 मिनट्स में ही कंप्लीट हो, उससे ज़्यादा मिनट नहीं लगना चाहिए यहाँ तक का। अगर यहाँ तक अगर 1 आवर 10 मिनट से ज़्यादा लगा तो बच्चा आपके यहाँ के क्वेश्चन में छूटेंगे ही छूटेंगे, कुछ भी कर लो आप छूटेंगे ही छूटेंगे, समझ में आया क्या। 1 आवर 10 मिनट तक क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको कंप्लीट करना ही है, कुछ भी हो जाए, आपकी स्पीड इतनी रखो, कुछ भी करो ऊपर नीचे मेरे को कुछ उससे मतलब नहीं, बट यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, बात समझ में आ गया। सो गाइज इसी के साथ आप लोगों का ये पेपर प्रेजेंटेशन मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, पेपर आपको दिखाया कि कैसे क्या लिखना है कितना लिखना है, बात समझ में आ गया। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई रहेंगी। ओके मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए तरीके के साथ, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।